नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर दुपारे और मेरी साथी वैज्ञानिक डॉक्टर सविता कोले के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि खरीफ का मौसम अभी शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है, इसीलिए आज के इस अंक में हम देखेंगे कि सोयाबीन की कौन कौन सी उन्नत और नवीनतम प्रजातियाँ हैं जो पिछले एक दो वर्षों में निकली है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के फसल सुधार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गुप्ता साहब से। उसके बाद में सोयाबीन की बोनी करते हुए कौन कौन से खाद या उर्वरकों की कितनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में हमारे डॉक्टर एच डी बिल्लोरे साहब जो कि फसल उत्पादन विभाग के अध्यक्ष हैं उनसे सुनेंगे। और उसके बाद में इस समय पे कौन कौन सी समसामयिक सलाह है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको सोयाबीन की नई प्रजातियों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अपने भारत देश को 6 जोन्स में बांटा हुआ है और हम लोग 6 जोन्स के लिए अलग अलग वैराइटीज़ निकालते हैं। मुख्य जोन जो कि सेंट्रल जोन है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन महाराष्ट्र के और बुंदेलखंड रीजन यूपी का सम्मिलित है, उस जोन पर आते हैं। अपने लोगों ने इस जोन के लिए भी कई नई वैरायटी निकाली है। इसमें से सबसे प्रमुख NRC 127 है। NRC 127 इसलिए है कि क्योंकि इसको सीधे खाया जा सकता है। इसमें एक तत्व ट्रिप्सिन इनहिबिटर नहीं होता है, तो इस वैरायटी को हम लोग सीधे खा सकते हैं। इसकी उपज जो है वो 18 क्विंटल के लगभग होती है और ये पकने में लगभग 102 दिन का टाइम लेती है। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, हाइलम इसका ब्लैक कलर का होता है और इसमें भूरे रंग के रोए होते हैं। फिर दूसरी वैरायटी अपने लोग आते हैं तो NRC 130 है। ये एक जल्दी पकने वाली वैरायटी है। अपनी JS 9560 जो मुख्य वैरायटी थी वो बहुत से रोगों से ग्रसित होने लगी है, तो अभी NRC 130 9560 के लिए एक अच्छा बदलने का ऑप्शन है हमारे पास में। इसकी उपज 15 क्विंटल पर हेक्टेयर के लगभग है और 92 दिन में ये पक जाती है। इसके फूल जो है वो पर्पल कलर के होते हैं, हाइलम इसका येलो कलर का होता है और इस वैरायटी की एक मुख्य बात है, जो अभी तक जितनी भी वैरायटी रिलीज हुई है उनमें नहीं है, कि इसका जो हाइलम है उसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु होता है भूरे रंग का, जिससे आप इस वैरायटी को अलग से ही पहचान सकते हैं कि ये NRC 130 है। इसके पॉड्स ग्लैबरस होते हैं। फिर एक और वैरायटी है जो जल्दी पकने वाली है, वो है NRC 138। ये भी लगभग 93 दिन में पक जाती है और इसकी उपज अच्छी है। ये लगभग 18 क्विंटल पर हेक्टेयर के लगभग उपज देती है। इसके सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और इसका टाउनी यानी कि भूरे रंग का इसके पॉड्स पर रोए होते हैं और इसका हाइलम जो है वो ब्राउन कलर का होता है। अन्य वैरायटी मैक्स 1520 है, जो 2207 किलोग्राम पर हेक्टेयर यानी 22 क्विंटल के लगभग उपज देती है। 100 दिन पकने में लगाती है। फूल इसके पर्पल कलर के होते हैं, हाइलम इसका काला है और ये चारकोल रॉट के लिए रेजिस्टेंट है। फिर अपनी एक वैरायटी है RBSM 2011-35, ये 99 दिन में पकती है। इसकी उपज काफ़ी अच्छी है, 22 क्विंटल के लगभग ये उपज देती है। इसमें सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, काले रंग का बीज में हाइलम होता है और जो प्यूबिसेंस है वो टॉनी कलर का होता है। फिर अपनी वैरायटी NRC 142 आती है। ये एक खाने के लिए एक अच्छी वैरायटी है, क्योंकि इसको ना हम सिर्फ सीधे खा सकते हैं बल्कि इसके जब हम कुछ खाद्य पदार्थ बनाएंगे तो उसमें उनकी सोयाबीन की जो हीक आती है, सोयाबीन की जो बदबू आती है वो काफ़ी कम होगी। और ये वैरायटी केवल सेंट्रल जोन नहीं बल्कि सदर्न जोन के लिए भी, दक्षिण के राज्यों के लिए भी ये वैरायटी उपयुक्त है। ये 97 से 99 दिन में ये वैरायटी पकती है। इसकी उपज लगभग 19 से 20 क्विंटल के लगभग होती है
19 क्विंटल अपने सेंट्रल जोन में होती है और 22 क्विंटल के लगभग इसकी सदर्न जोन में होती है। इसके फूल जो हैं वो पर्पल कलर के हैं, हाइलम इसका ब्लैक कलर का है और प्यूबिसेंस इसका टॉनी यानी कि भूरे कलर का है। फिर अपनी वैरायटी AMS 139 है। AMS 139 97 दिन में पकती है, 20 से 21 क्विंटल के पर हेक्टेयर इसकी उपज आती है। इसके फूल जो है वो पर्पल कलर के होते हैं, हाइलम ब्लैक कलर का होता है और ये चारकोल रॉड के लिए मॉडरेटली यानी कुछ रेजिस्टेंट है। अब हम लोग अपने लास्ट जोन जिसको कि सदर्न जोन दक्षिण के राज्य है उस पर आते हैं। इसमें कर्नाटक, वेस्टर्न महाराष्ट्र यानी कि विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर जो महाराष्ट्र है उस वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, तमिलनाडु ये राज्य आते हैं। इस जोन में अपनी जो वैरायटीज में है, पहली वैरायटी अपनी KDS 344 है। इस जोन में मुख्य बीमारी रस्ट है, तो ये जो वैरायटी है ये रस्ट के लिए टॉलरेंट है, लगभग 94 दिन में पक जाती है और 25 से 26 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज देती है। जो सबसे नई वैरायटी इस जोन के लिए है वो DSB 23 अभी है, जो कि 95 दिन में पकती है, 24 क्विंटल इसकी उपज आती है। इसके फूल जो है वो पर्पल कलर के होते हैं, हाइलम इसका ब्राउन होता है, पॉड इसके चिकने होते हैं और ये रस्ट के लिए हाईली रेजिस्टेंट है। फिर अपनी वैरायटी आती है KDS 726। ये वैरायटी भी रस्ट के लिए टॉलरेंट है। इसके फूल जो है लाल रंग के हैं, हाइलम इसका ब्राउन कलर का है और 96 से 97 दिन लगते हैं इसको पकने में और 24 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर की ये उपज देती है। और एक अपनी नई वैरायटी आई है KDS 992 यानी 992, जो कि 101 दिन लेती है पकने में, 26 से 27 क्विंटल, बहुत अच्छी उपज है इसकी, 26 से 27 क्विंटल पर हेक्टेयर की ये उपज देती है। और इसकी मुख्य बात है कि इसका बीज 16 ग्राम, 100 बीजों का जो वजन है वो 16 ग्राम के लगभग होता है। रस्ट के लिए ये टॉलरेंट है। इसके पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं और हाइलम जो है वो ब्राउन कलर का होता है। एक अन्य वैरायटी है मैक्स 1667, मैक्स 1667, ये 96 दिन में पकती है, 2051 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है। और इसके फूल जो है वो लाल रंग के होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, हाइलम ब्लैक होता है और ये वैरायटी भी KTI फ्री है, जिसको कि सीधे खाने में प्रयोग में लाया जा सकता है। अब सोयाबीन का एक अन्य उपयोग है जो कि वेजिटेबल के रूप में है, जिसमें उसके सोयाबीन के पॉड्स को हम लोग वेजिटेबल की तरह, सब्जी की तरह खाते हैं। तो अपने लोगों ने एक वैरायटी करुणे निकाली है जो इस जोन सदर्न जोन के लिए उपयुक्त है। इस वैरायटी की उपज जो है, इसकी जो पॉड्स हैं उनकी उपज 10,640 किलो पर हेक्टेयर यानी, और ये जो है वो लगभग 68 दिन में, 68 डेज में पॉड्स हमको इससे मिलने लगते हैं। इस वैरायटी में जो है वो सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और इसमें जो हाइलम भी है वो भी वाइट कलर का होता है। मुझे उम्मीद है मैंने आपको लगभग सभी नई वैरायटीज़ की जानकारी दी। धन्यवाद साथियों। अब हम जानेंगे सोयाबीन फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन सी खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। भाइयों नमस्कार। सोयाबीन की फसल एक प्रमुख फसल है, तिलहनी फसल है, जिसमें पोषक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें 40% प्रोटीन और 20% तेल होता है, इसलिए इसमें आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा देना अनिवार्य है, जिससे कि हम अधिकतम उपज ले सकते हैं। इसलिए सोयाबीन की फसल में मध्य क्षेत्र में, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि क्षेत्रों में जब सोयाबीन लगाते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा 25 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फूर, 40 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर देना अति आवश्यक है। इसके लिए आप कोई सा भी स्त्रोत ले सकते हैं, जैसे यूरिया, सुपरफास्फेट और म्यूरेटा पोटास। यदि ये तीन खाद से हम सप्लाई करते हैं, पोषक तत्व देते हैं, तो इसमें अलग से सल्फर देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए 55-56 किलो यूरिया, 375 से 400 किलो
सुपर फास्फेट और 67 किलो आपका म्यूरेट ऑफ पोटास देना आवश्यक है। तो या फिर डीएपी से भी दे सकते हैं, डीएपी 130 किलो प्रति हेक्टेयर एवं साथ में है आपको म्यूरेट ऑफ पोटास 67 किलो और सल्फर 25 किलो की मात्रा देना आवश्यक है। या फिर आप यदि इफको 12-32-16 से देना चाहते हैं तो उसमें भी इफको 200 किलो प्रति हेक्टेयर और साथ में सल्फर का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप देंगे तो ये अनुशंसित मात्राएं पोषक तत्वों की जाएगी और सोयाबीन का उत्पादन बहुत अच्छा होगा। तो इनका संतुलित मात्रा में उपयोग करना है। साथ ही यदि गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिलता है तो उसका उपयोग भी जरूर करें, जिससे कि सोयाबीन से टिकाऊ उत्पादन मिल सके। धन्यवाद। समय है समसामयिक कृषि सलाह का। तो किसान भाइयों को जून माह में एक ही किस्म पर निर्भर रहने की बजाय अलग अलग समय अवधि में पकने वाली कम से कम 2 से 3 किस्मों की खेती करनी चाहिए। यह भी सलाह है कि हमारे पास जो भी बीज उपलब्ध है तो बोने से पहले उसका अंकुरण परीक्षण अवश्य करें और साथ ही न्यूनतम 70% अंकुरण तथा बीज के आकार के आधार पर केवल 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज दर का प्रयोग करें। फसल सुरक्षा के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले रोग मुक्त बीज का उपयोग करें। सलाह यह भी है कि फसल की सुरक्षा की दृष्टि से बोने के समय अपने बीज को फफूंदनाशक, कीटनाशक और जैविक कल्चर से अवश्य बीजोपचार करें। जिन स्थानों पर पीला मोज़ेक बीमारी एवं तना मक्खी का प्रकोप अधिक होता है वहां पर फफूंदनाशक से बीजोपचार के पश्चात कीटनाशक से बीज उपचारित करने की अनुशंसा की जाती है। फफूंदनाशक, कीटनाशक के बीज उपचार के पश्चात यह भी सलाह है कि अपने बीज को बोने से पहले राइजोबियम और पीएसबी कल्चर से भी उपचारित करें। कृषकगण यह विशेष ध्यान रखें कि एफआईआर रूल मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर का क्रम का उपयोग करने का रूल अवश्य फॉलो करें।